आपका जी राजस्थान पर, मेरा नाम है हार्दिक दवे और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ जो आ रही है अजमेर से। 32 साल पुराना मामला, बहुचर्चित अश्लील फोटो ब्लैकमेल कांड का मामला, थोड़ी देर में दोषियों के खिलाफ सजा का ऐलान होगा। आज कोर्ट ने बाकी सभी 6 आरोपियों को दोषी माना है और पॉस्को कोर्ट संख्या 2 ने फैसला सुनाया है। आरोपी नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन, इकबाल भाटी, सलीम चिश्ती, सोहेल गनी और सैयद जमीर हुसैन दोषी करार दिए गए। मामले में 9 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट पहले ही फैसला सुना चुका है। आरोपी अलमास महाराज घटना के बाद से फरार है। अजमेर में 32 साल पहले हुए देश के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल के बाकी बचे हुए 7 में से 6 आरोपी नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन, सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी, सोहेल गनी और सैयद जमीर हुसैन को कोर्ट ने दोषी मान लिया है। अजमेर की विशेष न्यायालय दोपहर 2 बजे के बाद फैसला सुनाने वाली है। इसका मतलब ये कि अब से थोड़ी देर बाद, 2 बजने में केवल 2 मिनट शेष हैं, अभी 1:58 हो रहे हैं, अब से थोड़ी ही देर बाद कुछ ही मिनटों में फैसला सुनाया जाएगा, क्योंकि फैसला तो आ चुका है लेकिन सजा क्या है वो सुनानी अभी बाकी है। तो सजा का ऐलान अब होगा। एक आरोपी इकबाल भाटी को एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली से अजमेर लाया गया है, बाकी के आरोपी पहले से कोर्ट में मौजूद हैं। 6 आरोपियों पर चार्जशीट 23 जून 2001 में पेश हुई थी और इनकी सुनवाई इसी साल जुलाई में पूरी हुई है। साल 1992 में 100 से ज्यादा कॉलेज लड़कियों के साथ गैंगरेप, उनकी न्यूड फोटो सर्कुलेट होने से पूरे भारत में तहलका मच गया था। राजस्थान की राजनीति में उथल पुथल हो गई थी। मामले में 18 आरोपी पाए गए, 4 सजा भुगत चुके, 4 को हाईकोर्ट दोष मुक्त कर चुका, 1 ने 30 साल पहले केस के दौरान आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। 2 आरोपियों पर लड़के से कुकर्म का केस चला और इसमें 1 सजा भुगत चुका है, 1 पर केस चल रहा है, 1 आरोपी फरार है और बाकी 6 पर थोड़ी देर में सजा का ऐलान होगा। और सब न्यायालय द्वारा जो भी निर्णय सुनाया गया है उसके प्रति सबने अपनी संवेदनाएं व्यक्त करी है कि इतना अच्छा निर्णय न्यायालय द्वारा आया है और सभी मुलजिम जो अभी विचाराधीन थे सबको दोषित घोषित किया गया है। किस आधार पर दोषित? जो भी सारे हमने एविडेंस पेश की थी प्रोसिक्यूशन ने, उनके आधार पर न्यायालय ने दोषित। ये फैसला तो न्यायालय ने ये सुना दिया है कि इन सबको दोषी मान लिया है, 6 को। अब सजा जो होनी है वो 2 बजे बताएंगे। और मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिजीत दवे जुड़ गए, सीधे अभिजीत का रुख करते हैं। अभिजीत, आज से 32 साल पहले, साल 1992, 100 से ज्यादा कॉलेज की लड़कियां गैंगरेप के बाद न्यूड फोटो वायरल होने लगते हैं और उसके बाद एक भारत का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल सामने आता है। 32 साल बाद अब जाकर के जुलाई में उसकी सुनवाई पूरी होती है और 6 आरोपियों पर दोष सिद्ध होता है, आगे क्या? देखिए, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब से कुछ ही देर बाद जो है पॉस्को कोर्ट संख्या 2 जो है इस पूरे मामले में पनिशमेंट जो है वो क्या सजा इन 6 आरोपियों को सुनाती है उसका इंतजार रहेगा। तमाम जो आरोपी हैं, 6 आरोपी हैं, वो जो है पुलिस के पहरे में कोर्ट पहुंच चुके हैं और सरकारी वकील और जो डिफेंस के लॉयर्स हैं वो भी अब कोर्ट रूम में पहुंचेंगे और थोड़ी ही देर में जो पॉस्को कोर्ट के न्यायाधीश हैं वो फैसला सुनाएंगे। 32 साल बाद सबसे ज्यादा इंतजार किया जाने वाला जो ये फैसला है, मामला है, इस पर जो क्या कोर्ट फैसला सुनाती है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि इससे पहले जिन आरोपियों को निचली कोर्ट ने सजा सुनाई थी वो उम्र कैद की सजा सुनाई थी, हालांकि बाद में अपील के दौरान उनकी सजा जो है वो 10 साल रह गई थी। लेकिन इस मामले में जो धाराएं लगी हैं उन धाराओं के आधार पर नफीस चिश्ती जो है उसको मुख्य आरोपी जो है वो माना गया है और वही इन आरोपी जो है इन 6 में शामिल है। तो सबकी नजरें जो है कोर्ट रूम में है, गहमा गहमी का माहौल यहाँ पर कोर्ट रूम में बाहर बना हुआ है और कड़े सुरक्षा घेरे में कुछ ही देर बाद जो है आरोपियों को कोर्ट रूम के अंदर ले जाया जाएगा और वहाँ पर न्यायाधीश जो है अपना फैसला सुनाएंगे। इससे पहले उन्होंने सभी 6 आरोपियों पर जो भी चार्जेस प्रोसिक्यूशन की ओर से फ्रेम किए गए थे उनको अप्रूव माना है, दोषी करार दे दिया गया है 6 आरोपियों को इस एशिया के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल मामले में, जहाँ पर 1992 में ये करीब करीब 1.5 दर्जन आरोपी थे जो इस पूरे मामले में एक गिरोह बनाकर जो है स्कूली लड़कियों को पहले दोस्ती के जरिए अपने जाल में फंसाते थे, फिर उनके साथ अश्लील हरकतें करते थे कि फोटो खींचकर उन्हें ब्लैकमेल किया करते थे। इस पूरे मामले में जो है कई जो है लड़कियां जो है लोग लाज के भय से खुदकुशी भी कर चुकी थी, कई परिवारों ने अजमेर से पलायन
कर लिया था और अब उस संघर्ष की जो है कहानी जो है 32 साल बाद अभिजीत कुछ आरोपियों के बाल उड़ चुके हैं, कुछ आरोपियों की मूछें और दाढ़ी तक सफेद हो चुकी हैं, कुछ आरोपी ऐसे हैं जो अब इतनी कगार पर पहुंच गए हैं कि बहुत बीमार हैं, यानी कि जवानी से बुढ़ापा आ गया, लेकिन 100 लड़कियों को इंसाफ मिलना बड़ा लंबा सफर था। ये सफर बेशक लंबा था, 32 साल न्याय के इंतजार में तमाम पीड़िताएं उनके परिवार जन जो हैं वो बाट देते रहे हैं और अब वो इंतजार जो है लगभग अपने अंतिम पायदान पर पहुंच गया है और कुछ ही क्षण बाद जो है मैं एक छोटे देखिए जो पॉस्को कोर्ट संख्या 2 के सामने भी और मौजूद हूँ और यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है न्यायाधीश का। न्यायाधीश जैसे ही आकर अपना आसन ग्रहण करते हैं उसके बाद आरोपियों को यहाँ पर लाया जाएगा और क्या फैसला होता है सबकी नजरें बनी रहेंगी। इसी के साथ अभिजीत एक बड़ा सवाल ये भी है कि इस सब के बीच में कुछ आरोपी ऐसे हैं जो सजा काट चुके हैं और कुछ आरोपी ऐसे हैं जिन्हें आरोप मुक्त कर दिया गया, दोष मुक्त कर दिया गया, उन आरोपियों के बारे में भी बात होनी चाहिए। कुल मिलाकर 18 से 19 आरोपी थे। तो देखिए अजमेर में 32 साल पहले हुए देश के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल में बाकी बचे हुए 7 में से 6 आरोपी नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन, सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी, सोहेल गनी और सैयद जमीर हुसैन को कोर्ट ने दोषी मान लिया है। अजमेर की विशेष न्यायालय दोपहर में अब फैसला सुनाने वाली है थोड़ी देर में और फैसले में दोष सिद्ध हो चुका है लेकिन सजा क्या होगी ये फैसला अभी बाकी है। सजा को लेकर फैसला थोड़ी देर में आने वाला है।